घर की जिम्मेदारियों को कंधों पर उठाकर सुबह घर से निकल जाते हैं, जिन्हें परिवार में सबसे कड़क मिजाज समझा जाता है। पिता की छवि हमारे समाज में कुछ ऐसी ही गढ़ी है। हालांकि वक्त के साथ अब पिता बच्चों के दोस्त भी बन रहे हैं। अब उनके घर वापस आने पर डर का माहौल नहीं बल्कि हंसी खुशी का नज़ारा देखने को मिलता है। माता को जन्म देने वाली माना जाता है, जो परिवार का देखभाल करती है और अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। इसी तरह पिता परिवार का सहारा होते हैं। वो परिवार के नायक है, आत्मविश्वास के स्तंभ है। पिता परिवार के रीढ़ होते हैं। जीवन को अनुशासन बनाने और ज़रूरत के वक्त मार्गदर्शन प्रदान करने में बच्चों के लाइफ में एक क्रूशियल रोल निभाते हैं। वैसे तो माता पिता के लिए कोई एक खास दिन निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें किसी दिन के बहाने स्पेशल फील कराया जा सकता है। तो आगे जानेंगे कि किस तरह फादर्स डे की शुरुआत हुई और आज तक फादर्स डे पर विशेष क्या होता आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। फादर्स डे की शुरुआत वॉशिंगटन के स्पोकन शहर की सोनेरा डॉड ने की थी। सोनेरा की माँ की डेथ के बाद उनके पिता ने अकेले उनकी परवरिश की। एक दिन सोनेरा ने सोचा कि क्यों ना मदर्स डे की तरह पिता को सम्मान देने के लिए फादर्स डे भी मनाया जाए। इस तरह सोनेरा डॉड ने अपने पिता की स्मृति में इस दिन की शुरुआत की थी। पहला फादर्स डे 19 जून 1910 को अमेरिका के वॉशिंगटन में मनाया गया था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अलावा कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, USA, फ्रांस और सिंगापुर जैसे अन्य कंट्रीज में भी फादर्स डे जून के थर्ड संडे को मनाया जाता है। सिर्फ थाईलैंड में फादर्स डे दिसंबर में राजा भूमिबोल अदुल्यदेज के जन्मदिन पर मनाया जाता है। साथ ही ईसाई धर्म मान्यताओं के अनुसार जर्मनी में ईस्टर के 40 दिन बाद ऑर्गेनाइज होने वाले पितृदिवस को उद्गम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जानते हैं फादर्स डे के बारे में कुछ रोचक तथ्य। डैड वर्ड बहुत ही पुराना है। इस वर्ड का प्रयोग लगभग 1500 में किया गया था। ग्रीटिंग कार्ड एसोसिएशन के मुताबिक क्रिसमस, वैलेंटाइन डे और मदर्स डे के बाद फादर्स डे ग्रीटिंग कार्ड भेजने का चौथा सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन 50% कार्ड डैड्स के लिए खरीदे जाते हैं तो 20% पतियों के लिए खरीदे जाते हैं। दुनिया के सबसे बुजुर्ग पिता बनने का रिकॉर्ड भारत के रामजीत राघव के पास है। वो 96 ईयर के थे जब उनकी 52 ईयर ओल्ड वाइफ ने 2010 में एक बच्चे को जन्म दिया था। अमेरिका में लगभग 24 मिलियन बच्चे यानी हर 3 में से एक बच्चा बिना पिता के रहता है। US में लगभग 2 मिलियन से भी ज़्यादा पिता अकेले रहते हैं। वहाँ पे लगभग 152 मिलियन पुरुष है, इनमें से केवल 70 मिलियन यानी 46% ही पिता है। स्टडीज से पता चलता है कि पिता के एब्सेंस में बच्चों का बुरे बर्ताव पर खतरा बढ़ जाता है। US में लगभग 63% युवा आत्महत्या इसलिए करते हैं क्योंकि वो घर में बिना पिता के रहते हैं। जब एक पिता अपने बच्चे की शिक्षा में शामिल होता है तो वो बच्चा स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करता है। एक सर्वे के मुताबिक 80% बलात्कारी अनाथ घरों से होते हैं। जब पिता अपने बच्चों को अकेला छोड़ देता है तो वो सबसे ज़्यादा दोषी महसूस करता है। तो ये सब बातें हुई फादर्स डे के बारे में, जो शायद ही आप जानते हो। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।